हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोरिविया मिली के बारे में। फोरिविया मिली बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाओ, और अगर लगा भी चुके हो तो इसकी कटिंग लगती है, कटिंग बताएंगे कैसे लगाते हैं। और कटिंग लगा चुके हो तो फिर उसको अलग अलग कैसे करते हैं, और इसको कितना खाना पानी चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप आसानी से लगाओ। देखो, मैंने ये लगा रखा है, ये देखो बिल्कुल छोटे से मैं लगा रखा है, देखो, और देखो कितना अच्छा से सर्वाइव कर रहा है। आप खुद देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें भी लगा रखी हूँ, इसमें भी कटिंग से लगे हुए हैं ये पौधे, और इसमें भी मैंने कटिंग लगा रखा है, इसका मदर तो कहीं और रख रखी हूँ, और देखो इसमें भी कटिंग लगा रखी थी, तो ये गमला टूट गया है मेरा। अब मैं इसमें से निकालूंगी, तो ये गमला मेरा टूट चुका है, ये देखो ये पूरा टूटा हुआ है, तो ये मैं हटाऊंगी, अब हटा के इसको लगाऊंगी अलग से, ये टूट गया है पूरा ही। तो ये मैंने कटिंग लगाया हुआ था, ये देखो, ये देखो, ये लग चुका है, जड़ दिख रहा है ना, ये लग चुका है, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देखो जड़, कोई दिखावटी वीडियो नहीं बनाती, वीडियो पूरा देखा करो, जो मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ वही दिखाती हूँ। ये देखो जड़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बनावटी वीडियो बनाओ। और करना क्या है आपको, अब जब कटिंग लग चुका है आपका, तो अलग अलग जगह पे लगा दो। देखो इसमें तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है, ये देखो बहुत छोटे पे इसमें फूल दे देता है, और बहुत अच्छा है, हमेशा फूल आते ही रहता है इसमें, फूल बंद नहीं होता। अब मैं देखो इसमें लगाऊंगी, ये देखो ये टीन का डिब्बा है, इसको मैंने पेंट किया है, मैं इसी के अंदर लगाऊंगी, और इतने छोटे में ही देखना मेरे खूब सारे फूल आएंगे, तो मैं ये वाला लगाऊंगी इसके अंदर। ये देखो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे रख देना है, और फूल देखना इसमें ढेरों फूल आएंगे, ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आएगा इसमें, फूल को तो आना ही आना है, जितना हम इनसे प्यार करते हैं ना उतने ही फूल आता है। इनका देखभाल अच्छा करो, खूब सारे फूल आपको मिल जाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, यही वाली मिट्टी इसके अंदर मैं डालूंगी। ये देखो बहुत आसानी से बताती हूँ, अनाड़ी इंसान भी अगर जैसे होगा ना, न्यू गार्डनर, उसको भी मेरी बात समझ में आ जाता होगा कि हाँ ऐसे ही लगाना चाहिए। ये देखो कुछ नहीं किया ना मैंने, बस उसमें से निकाली हूँ, और निकाल के देखो ये लगा रही हूँ। ये देखो अभी मेरा लग चुका, इसको हल्का ठोक देना है ऐसे, अभी ठोक के थोड़ी सी इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और डाल के इसके अभी इसको अभी छाएदार जगह में रख दो। आपको ऐसे रखना है जैसे कि ये देखो ऐसी जगह में, इन गमलों के बीच में घुसा देना है। अभी मैं यहाँ रख रही हूँ, तो देखो ये पहले लगाई थी मैं, और देखो ग्रोथ देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, ये देखो, ये देखो अब फ्लावरिंग करेगा इसमें, और ये देखो ये भी कटिंग लगा रखी थी, ये देखो ये कटिंग लगा रखी हूँ, तो ऐसे ही मैं कटिंग लगा लगा के ना जगह जगह पे रख देती हूँ, कहीं भी एक कोने में छोड़ देती हूँ, इसे पानी भी नहीं चाहिए, इसे पानी 10 दिन 12 दिन में दो, और पानी की जरूरत नहीं है, फ्लावरिंग बहुत अच्छा करता है। अभी भी मेरा तैयार हो चुका है, ये भी कटिंग तैयार हो गया था, तो अब मैं इसमें से निकाल के और गमलों में कर दूंगी, अभी तो नहीं करूंगी मैं इसमें से, अभी बाद में करूंगी, इसके लिए तो बड़ा गमला चाहिए। ये देखो ना ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो गया, ये तो एक कोने में पड़ा था, ये लगा के छोड़ देती हूँ मैं। अब इसको भी मैं इसमें लगाऊंगी, ये तो मैं लगा चुकी, ये देखो ये वाला,
अब मैं इसमें लगाऊंगी। मिट्टी पहले ही भर रखी थी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटी सी वीडियो हो, ताकि आप आसानी से जल्दी से देख लो। ये देखो, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके टच कर दो इसके अंदर और फिर मिट्टी भर दो। और ये वाला लगाऊंगी, दो लगाऊंगी इसमें। इसमें मैंने तीन लगाया, इस वाले में इसमें दो लगा दूंगी। अगर कटिंग आप लगाओगे तो पहले इसको कट करना, अब कट करके दो दिन सुखा लेना पहले, उसके बाद लगाना है इसको। तुरंत मत लगाना क्योंकि सड़ जाएगा अगर तुरंत लगाओगे तो। कांटे हैं, बहुत संभाल के लगाना, नहीं हाथ में लग जाएगा। मेरी तो आदत बनी हुई है, बहुत कांटे हैं इसके अंदर। इसका नाम फोरबिया मिली है। इस पौधे का नाम फोरबिया मिली है। ये देखो, ये सब कांटे हैं, पूरा कांटा भरा। अगर ऐसे पकड़ोगे तो नहीं लगेगा, ऐसे पकड़ोगे तो लग जाएगा कांटा। अभी मेरा पौधा लग चुका है और इसमें देखना खूब फूल आएगा। पूरी सर्दी इसमें फूल रहेगा, पूरी गर्मी फूल रहा है समझ लो। ये तो खैर कटिंग लगाई हूँ, इसमें अभी नहीं आया है फूल। इसमें आ गया था फूल और इसमें भी फूल आता है। और देखो ये फूल स्टार्ट कर दिया है। ये इसी के साथ कटिंग लगाई थी, जैसे देखो कांटे हैं लग रहे हैं, जैसे छोटे बड़े कटिंग थे ना वैसे ही फूल आया है। देखो फूल आ गया है ना। अब इसको मैं किसी बड़े में लगा दूंगी, ये मैं इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके लिए बड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखो वैसे तो फूल आ जाएगा इसमें भी। इसे पानी बहुत कम चाहिए और हाँ, इसे मिट्टी मिट्टी इसको ऐसे चाहिए जैसे कि गुलाब के लिए मिट्टी बनाते हैं, या कैक्टस के लिए मिट्टी बनाते हैं, या एडेनियम के लिए मिट्टी बनाते हैं। तो जैसे मिट्टी बनाते हैं ना, वही मिट्टी इसे चाहिए। इसे चार हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट और चार मुट्ठी बदरपुर, एक मुट्ठी नीम खली। नीम खली अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते। बहुत अच्छा पौधा है, एक बार अगर लगा लोगे आपका गार्डन पूरा भर जाएगा पौधों से। कटिंग लगाओ, कटिंग आराम से लगाओ। कटिंग लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखो, ये यहाँ से कट कर लो। देखो कट कर दिया, बस इसको सुखाना है। देखो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा दूध सा निकलेगा, लिक्विड। ये देखो कैसे दिखाऊं, ये जहरीला होता है इसको। ये देखो ये निकला ना, इसी में से निकला। तो ये कहीं लग ना जाए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसको हमें सुखाना है छाई में, दो चार दिन सुखा के उसके बाद किसी भी गमले में ऐसे करके आप गाड़ दो, आपका कटिंग तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही काट काट के मैंने लगा रखा है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब कटिंग से मैं तैयार करी हूँ और लग गया। अब इसे मैं छाई में रख दूँगी। तो छाई में जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा ना, फिर लगा दूँगी, नहीं तो अगर अभी लगाऊँगी तो ये सड़ जाएगा, ये गीला है अभी। बस ऐसे ही लगा दो, कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाओ, ऐसे ही लगा दो तो भी लग जाएगा। अगर है रूटिंग हार्मोन तो उससे ही लगा लो। छोटी सी कटिंग कहीं से लाओ, ले आके लगा दो। ढेर सारे आपके पास हो जाएंगे, बहुत है मेरे पास तो, मेरे गार्डन में तो ढेर सारे हैं। मैं दूसरी तरफ रख रखी हूँ, उनमें तो फ्लावरिंग हो रहा है। अभी मैं इसमें रख रही हूँ, इसमें मैं इसको बाद में रिपोर्टिंग करूंगी। देखो कितना अच्छा फूल है ना। फूल किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है।
कलर कितना प्यारा है। इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, इसमें कलर बहुत सारे आते हैं। ये तो पिंक कलर का है, इसमें रेड भी आते हैं और पिच भी आता है, और पिच तो है मेरे पास, और वाइट कलर भी आता है, पीला भी आता है। तो हमें तो मिला नहीं नर्सरी में, मैं तो ये कटिंग से ही लगाई थी, मैं कहीं से कटिंग लाई थी उसी कटिंग से मैंने इसको तैयार किया। अब मेरे गार्डन में बहुत सारा है, हमारे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।